हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अभी सरदार व्लॉग्स कुआलालंपुर डे टू पार्ट टू। सो वी आर एट खड्डा मार्केट, इसको खड्डा मार्केट कहते हैं, इस जगह का नाम मैं भूल गई, लेकिन ये स्ट्रीट काफ़ी हैपनिंग है। तो यहाँ के पाकिस्तानी कहते हैं कि यार ये खड्डा मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट हैं। हम लोग कुछ शीशा कुछ करके यहाँ रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट, वहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू असीम के फ्रेंड, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का टर्किश खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने कहा यार चलो वाई नॉट, हम ट्राई ज़रूर करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ज़रा शीशा, क्योंकि अरबिक और टर्किश लोग ना हुक्का शीशा बहुत ज़्यादा लाइक पीते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी शीशा वाइब्स भी हैं। सो इधर आ गया है मेन्यू कार्ड, और इनके मेन्यू में ज़्यादातर मतलब उस तरह के फूड थे, हमस इस तरह वाले सारे थे। और क्योंकि मुझे इतना कुछ टेस्ट का अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने कहा यार जो आपको यहाँ का फेमस हो, जो यहाँ का अच्छा हो, आप वो ऑर्डर कर दें, ताकि हम भी तो कुछ डिफरेंट ट्राई करें, कि हट के बिल्कुल कुछ सामान कुछ आए हमारे लिए। नहीं नहीं, आप लोग का वेट कर रहे हैं। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। सो इधर जो है वो ये रोटी है इनकी, और ये लिटरली इतनी क्रिस्पी रोटी, और ये है बटेर। यार इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त था, मतलब मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है खाने का। और इसके साथ ना ये लोग एक कुछ प्याज सर्व करते हैं, कुछ ग्रीन उसमें टिप हुई हुई चटनी में, बहुत मज़े की होती है यहाँ का। ओफ इतना अच्छा व्यू। और यार ये वाले जो कबाब हैं जिसमें ऊपर तिल लगा हुआ है, इसमें था कुछ अनार का फ्लेवर, टैंगी फ्लेवर, तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग था, और ये राइस और रोटी के साथ बहुत मज़े का लग रहा था, ट्रस्ट मी गाइस। और ये लैम्प है हमारे पास, और एक है बीफ कबाब, ये बटर राइस थे, और इसके साथ जो है वो इसका कॉम्बिनेशन लाइक 10/10 था। मुझे ये वाला खाना बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो और मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट भी था, मैंने ये पहले कभी खाया भी नहीं था, तो मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लैम्प भी बहुत अच्छा था, सॉस के साथ दिया हुआ था इन्होंने, सॉस नहीं था, यखनी थी। हमने खाना खा लिया, पेट फुल हो चुका है। और ये आ गई हमारी टर्किश टी, लेमन मिंट टी, और ये इतना क्यूट तरीके से सर्व किया, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये। और इसके साथ इसमें लाइक शुगर नहीं होता था, शुगर और डेट्स आपको दी जाती हैं अलग से, तो मैंने शुगर मुझे नहीं चाहिए था, मुझे डेट्स मैंने लिया। और इसको खाने का तरीका ये होता है कि आपको एक डेट का एक बाइट लेना पड़ता है, वो मुंह में रखना पड़ता है, उसे चबाना नहीं पड़ता, और उसका जो उसके बाद ना इसका सिप लेते रहना है। और ये कॉम्बिनेशन उफ यार इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। और शाहजन पीछे सो रहा है, शाहजन थक गया था अभी वॉइस ओवर में, शाहजन मेरे पीछे खेल रहा है, तो आपको शाहजन की आवाज़ आ रही है, वैसे वीडियो में शाहजन सो रहा था पीछे, बहुत थक गया था, हमारे ये दिन बहुत हेक्टिक रहा था। यहाँ से डिनर करके निकले हैं, यार ये स्ट्रीट बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे सारे खाने मिलते हैं, पाकिस्तानी लाइक सब कुछ। लेकिन हमने आज थोड़े टर्किश कबाब वगैरह खाए, लैम का था और बीफ था, चिकन नहीं था। यार मतलब मैं उसका शॉर्ट रिव्यू तो डालूँगी, लेकिन मैं इस व्लॉग में ही बता रही हूँ, खाना बहुत मज़े का था, बहुत अमेजिंग। यहाँ पे खाने की वैरायटी ऑप्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फूड पसंद है तो फिर आपके लिए नहीं है। वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, लाइट्स चेंज हो रही हैं सारी। डाउन अभी हम लोग के होटल नहीं गए, अभी हम लोग आ गए पवेलियन दोबारा से। यहाँ की नाइट लाइफ कल भी आए थे, आज सुबह भी आए, लेकिन अभी हम लोग आए सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा नीड थी। स्टारबक्स अगेन, एंड अब हम यहाँ से कुछ बेवरेजेस में डिफरेंट ट्राई करते हैं। ब्रेकफास्ट ऑर्डर दे दिया है, और अब ऑर्डर आएगा, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। शाहजन मेरा शाहजन बड़ा क्यूट लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, देख
सो हैंडसम पवेलियन की वाइब्स यार बड़ी अच्छी। यहाँ पे आगे नाइट लाइफ लाइक अमेजिंग। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट हैं। व्हाट डू यू वांट? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। मेला है सब सो आठ सौ रहेंगे ड्रेस आ रहे हैं दाम। शॉप से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए हैं कॉमन्स स्कल। यहाँ पे एक फूड स्ट्रीट टाइप है। सवेरे हम वहाँ खड़े थे, ओके था। अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है पैराडाइज का। ओके, वो सामने वो ज़ियाफ़त भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसके वो वाली गली है ना, वो है जलन अलोर। जलन अलोर जो आप बोल रहे हो ना स्ट्रीट, वो ये। अच्छा, यस बेटा, उधर जाना है। ओके, चीज फेमस है मैंगो और राइस, हम वो ट्राई करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर गई, बिल्कुल वही कराची की वाली स्मेल आ रही थी। यहाँ पे खा रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड तो कवर नहीं करने जा रहे एक्चुअली, जस्ट थोड़ी सी नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। कि यहाँ पे फुट मसाज इतना क्यों लोग प्रेफर करते हैं, कि इतनी वर्क होती है यहाँ पे, हर जगह फुट मसाज का है। वो देखो वो रहा थाई मसाज, ये रहा पांडा, इसको तो मैंने आज के व्लॉग में काफ़ी हद तक कवर किया है। बड़ा ज़बरदस्त है यार ये, इंशाल्लाह मैं आऊँगी यहाँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेंगे। सेकेंड फुट मसाज, बिल्कुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है कॉफी पी लिया, बिल्कुल भी बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा का हाथ पकड़ो। ये रहे खाने की चीजें हैं यहाँ पे, सो मैं ये ट्राई एंजॉय करती हूँ। ये बहुत मजे का मीठा है, मुझे डुरियन भी खाना है लेकिन अभी पेट भरा हुआ है और मुझे जो ट्राई करने आई मुझे वो ट्राई करना है पहले। सो ये रहे दिस फ्रेशली जूस्ड यहाँ पे, amazing things. ले ले असीम, पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ पे। Thank you.
यहाँ पे सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं जो कि मैं खाऊंगी, ट्राई करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप पे। अभी कर लिया है उस फूड स्ट्रीट का, लेकिन अभी कुछ खाया नहीं है, सिर्फ मैंने ड्रैगन फ्रूट ही खाया था। अब मैंने बस लाइक नोटिस कर लिया कि मुझे क्या क्या चीज़ें ट्राई करनी है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिप होगा, क्योंकि अभी लेट भी काफ़ी हो गया, 12 बज रहे हैं यहाँ पे एक, और कल हमें निकलना है सुबह जल्दी। सो हम फिर कल रात या परसों रात ट्राई करेंगे। बैक टू होटल, जल्दी जल्दी रूम। गाइज़ आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, कल का ब्लॉग तो इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। सो जल्दी लाइक और कमेंट करें।